यू सीन इन लास्ट लॉक कि कैसे मैं ट्रेन से आता हूँ मथुरा, जहाँ पे मेरे पार्टनर होते हैं मेरे मामा जी। सबसे पहले हम जाते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, देन आफ्टर रिक्शा पकड़ के पहुँचते हैं विश्राम घाट, जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, बोटिंग करता हूँ और थोड़ी सी मार्केट में खरीदी करने के बाद हम निकलते हैं बाके बिहारी जी की मंदिर, निजीवन और प्रेम मंदिर, एंड देन आफ्टर गोवर्धन भी कवर करते हैं, जो कि आपको इस व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो चलो अब इस व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। सो गाइस, वापस से हमने रिक्शा चेंज करी है और वृंदावन हम आ चुके हैं, और लाइक हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है बाके बिहारी जी का मंदिर, जो कि हम अभी जा रहे हैं, और उसके बाद जाएंगे निधिवन बाग एंड देन वी विल गो टू प्रेम मंदिर। तो दोस्तों, यहाँ से सामने है बाके बिहारी जी का मंदिर, जिसके लिए आप लाइन देखो कितनी ज़्यादा लाइन है भाई, और उस जिसमें फ़ोन और बैग अलाउड नहीं है, नहीं कहीं रख के जाना पड़ेगा। अगर सच बताऊँ तो बाके बिहारी जी के मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, फिर मेरे मामा जी पकौड़ी खाते और हम निकल जाते हैं निधिवन की ओर। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं और तेरी मामा जी आ गए। हाँ, तो फाइनली हम आ चुके हैं निधिवन वाटिका। तो ये रही, तो चलो अंदर चलते, अंदर का थोड़ा बहुत छूट लेते। दोस्तों, एक्चुअली निधिवन वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान खुद की जो गोपियाँ थी उनके साथ रासलीला और मतलब डांस वांस करते थे, खेला करते थे। ये रही निधिवन की एंट्री है, और चलो चलते हैं। जिन्हें मामा का फोटो खींच लो पहले, मामा हीरो हीरा लाल है। दोस्तों देख लो, ये है कृष्ण भगवान के टाइम का निधिवन, अभी छोटा हो गया, बाकी उस टाइम पे काफी बड़ा था, और मतलब पेड़ वेड़ भी, बाकी पेड़ का स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ रहस्यमय तरीके का है, बंदर बहुत सारे हैं इसलिए फोन रख देता हूँ। तो दोस्तों, एक ये बाग के बारे में ये भी कहा जाता है कि लाइक आज भी के टाइम पे भी जो है मतलब कृष्ण भगवान है और गोपियाँ है, वो पेड़ में दिन में कन्वर्ट हो जाते और लाइक रात को वो रास करते, तो ऐसा है। एक तो मामा जी तो मेरी ऑडियंस नहीं दिख रही, मेरा ब्लॉग पता नहीं चला, 100-200 लोग ब्लॉग देखते हैं मेरा, पता चलता है 100-200 व्यूज आते हैं मेरे को, है ना दोस्तों। और निधिवन की सफाई कुछ इस तरह से होती है, जो देख के मैं तो काफी दंग रह गया था। दोस्तों, निधिवन में एक बात सीखी कि पहले दान करिए, बाद में आशीर्वाद लीजिए, मतलब जहाँ भी जो भी मंदिर में जा रहे हैं बोल रहे दान करिए दान करिए, ये कोई तरीका है? चलो चलते हैं अब सीधा प्रेम मंदिर की ओर। अभी बज चुके हैं शाम के कितने बताए 6:39, और अंधेरा हो गया। ऐसे तो मेरी इच्छा थी कि मतलब मैं इवनिंग टाइप पे आऊँ, तो क्या है मतलब नाइट में, अभी यार गरीब हूँ मैं, बताइए आपको, तो आईफोन तो है नहीं मेरे पास, तो थोड़ा शूट हो जाता, लेकिन लाइटिंग वाइटिंग रहती है, तो देखते जितना जो कर पाऊंगा मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। जब मैं रास्ते पे चल के जा रहा था तो मैंने थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट तो किया था कि प्रेम मंदिर जाऊंगा तो थोड़ा बहुत अच्छे से शूट ले लूंगा, लेकिन पहुंचता हूँ तो मुझे ढगला भीड़ मिल जाती है, लेकिन फिर भी ये रहे कुछ बेस्ट सिनेमेटिक्स आपके लिए। तो दोस्तों, आई डोंट नो क्यों इतनी भीड़ है, मतलब यहाँ पे मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सारी भीड़ होगी, बट प्रेम मंदिर देखने की एक अंदर ही अलग से ही तलब थी। रुक जाओ, अब रियल लाइफ में तो प्रेम मिला नहीं है, तो सोचा प्रेम मंदिर ही दिखे आते, तो ये रहा प्रेम मंदिर। दोस्तों लिटरली यार मतलब प्रेम मंदिर में बहुत यार मतलब इतना वर्किंग डेज पे भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, देखो वहाँ पे फाउंटेन चल रहा है और ये मंदिर है, और मंदिर में थोड़ी सी कम भीड़ होगी तो हम जाएंगे, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है, मतलब मेरे को जो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ कि इस तरह से शूट करूँगा, बट हुआ नहीं, वरना एज यू नो आई विल गिव माई बेस्ट, बाकी तो आपका सपोर्ट चाहिए बस। चुके हैं 9 और अभी हम पहुंचे हैं गोवर्धन में, और काफी थक गया भाई आज मैं, बाकी बताओ तो मेरे को मजा तो बहुत आया, सच्ची में मजा बहुत आया,
लेकिन प्रेम मंदिर में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और तो बाकी भी बच्चे मामा को पूछते मामा की कैसी ट्रिप रही, मामा जी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आज का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि पूछो मत ही, अपने भांजे के साथ में इतना इन्वेस्ट किया कि आप मेरे जो आप कह रहे हैं कि बस अब कहीं नहीं जाने का, बस जाके आराम करने का। अच्छा इतने रात के अंधेरे में हमको आश्रम जाना पड़ रहा है और अभी यहाँ से 1 किलोमीटर और अंदर जाना है। तो ये रहा कुछ आश्रम, अभी लाइट नहीं है, अंदर आए तो यहाँ पे हमारा स्टे है और ये आश्रम कोई वैसा वैसा नहीं है। देखो भाई सामने एसी है, ये है डबल बेड, थर्ड पर्सन के लिए ये रहा, और 1, 2, 3 और 4 कम्बल है, मखमल है वो भी। और 2 तकिया यहाँ, तो मतलब ये रूम है, आज हमारा स्टे यहाँ करेंगे। और बाकी ये वॉशरूम और बाथरूम वगैरह है, ये रहा ठीक है। मामा जी चालू हो गए। और ये मेरा हो गया बेड रेडी, चलो अब इसमें सीधा सा गिरते हैं। तो मॉर्निंग में आराम से 12:30 बजे हम निकलते हैं गोवर्धन पर्वत की ओर, लेकिन तभी मैं ये देखता हूँ तो बोलते हैं दंड करते करते परिक्रमा करना, मतलब पूरा भी जो 20-25 किलोमीटर की परिक्रमा होगी वो ऐसे ही होगी। देख लो देखो ऐसे दंड करते करते, इतनी गर्मी में भाई क्या हालत हो जाए, मतलब लोगों की श्रद्धा इस लेवल की है। सो गाइज ये है गोवर्धन, यहाँ के लोग इसको गिरिराज जी बोलते हैं। और इसमें कैसा है कि देखो आपने देखा कि मैंने चप्पल नहीं पहनी हुई, मतलब बिना चप्पल के ही, बिना चप्पल के यहाँ पे जाना पड़ता है। एंड पत्थर वत्थर है, काफी स्लीपी है, मतलब इतने लोग गए हुए इतने स्लीपी है। तो बस ज़्यादा ऊंचा तो है नहीं, मतलब थोड़ा ही है, क्योंकि गोवर्धन को वो श्राप मिला था कि टाइम के साथ वो धीमे 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 कम होता जाएगा, इसी ने श्राप दिया था। सो चलते ऊपर। अब ये देखो, ये जैसे मैं पर्वत पे आ चुका हूँ तो यहाँ पे एक सिटी है और पर्वत के इस तरफ भी एक सिटी है, मतलब वो एक सिटी अलग और ये एक सिटी अलग, कितना क्रेजी है मतलब, है ना। सो गाइस ये रहा मंदिर सामने, गोवर्धन जी का श्रीनाथ जी मंदिर बोला जाता है इसको। और गाइस वो नीचे आप जो देख रहे हो, जो लोग जा रहे हैं मतलब उन्होंने चप्पल भी नहीं पहन रखे, वो ये गोवर्धन जी की पूरी परिक्रमा करते हैं, मतलब पूरा पूरा जो पर्वत है ना, और मतलब इस पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने अपने सिर्फ एक नाखून पे उठा दिया था भाई, एक नाखून पे, मतलब कैसे भाई कैसे, मतलब कैसे चमत्कार होते थे यार, मतलब वो टाइम पे कृष्ण भगवान कितने पावरफुल रहे होंगे। और ये यहाँ का व्यू आता है, दोस्तों मैं मंदिर के अंदर गया तो क्या औसम बात पता चली, पता है कि ठाकुर जी के मतलब एक टनल है, हमने देखी थी, हम गए थे अंदर फोटोग्राफी बनाए, तो एक टनल से रेगुलर आते हैं और मतलब उनके बिस्तर है यहाँ पे, रूम है, और सुबह देखते तो वो बिस्तर पूरे मतलब हिले हुए होते हैं, तो मतलब भाई इतना चमत्कार है, फिर देख लो ऐसा कुछ मंदिर है। और दोस्तों एक और चीज़ गोवर्धन के बारे में बोली जाती है कि एक टाइम पे ये जो माउंट एवरेस्ट है आज की दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन, उससे भी ऊंचा हुआ करता था, मतलब भाई एक से कैसे रहस्य खुल रहे हैं, मतलब आप आओ टूरिस्ट प्लेस पे घूमो, देखो घूमना महत्व का नहीं है, वहाँ से कितना नॉलेज गेन कर रहे हो वो महत्व का है, तो उस हिसाब से ऐसे आए देख लिया कर लिया हो गया ख़त्म, ये कोई रीत नहीं है, मतलब फिर वो सो वाला घूमना होता है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे को बता दी वो मैंने आपको शेयर कर दिया। सो गाइस बस आपका मेरे साथ सफ़र यहीं तक का था, मतलब इस व्लॉग के लिए। बाकी आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, ठाकुर जी से श्री कृष्णा जी से आशीर्वाद लेते हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो करे, हम ग्रो करें, और 100K का टारगेट है, जैसे अभी तो 10K का है, बाद में होगा। तो बस इस व्लॉग के लिए इतना ही, और फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छा सा कंटेंट लेके, तब तक के लिए थैंक यू।